तो आइए दोस्तों, आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम 2022 के लिए सोशल साइंस का टेस्ट नंबर 18 लगा लेते हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। इससे पहले मैंने आपको 17 वीडियो सेशन करवा दिए हैं सोशल साइंस के, और 16 वीडियो सेशन मैंने करवा दिए हैं साइंस के। ये सभी वीडियो सेशन आप देख सकते हैं आईसीआर टेक्नीशियन क्लासेस के नाम से, जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें। और जो लोग नए, उनको बताना चाहूंगा, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। आईसीआर टेक्नीशियन एग्जाम की निरंतर मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कई गुटों में बांटी गई, इसके अनुक्रियाशीलवादी गुट ने किस उद्देश्य के लिए कार्य किया था। इसका एक गुट था स्वराज पार्टी का ही, जिसका नाम है अनुक्रियाशीलवादी गुट। इसने किस उद्देश्य के लिए कार्य किया था? इसका उद्देश्य था दोस्तों, अंग्रेजों के साथ सहयोग करके हिंदुओं के हितों की रक्षा करना, इस गुट का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के क्या थे? सचिव थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई इन नीतियों का अवलोकन कीजिए, जिनका उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन का प्रसार करने के लिए किया गया था। देखिए कौन कौन सी नीतियां हैं, अधीनस्थ पृथक्करण, घेरी के नीति और अधीनस्थ संघ की नीति। ये तीन नीतियां हैं। इन नीतियों को लागू करने का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सी नीति पहले लागू हुई और कौन सी नीति बाद में लागू हुई। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले ये जो दूसरी नीति है ये लागू की गई थी। ठीक है, सबसे पहले ये दूसरी नीति जो है ये लागू की गई थी, उसके बाद में लागू की गई थी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ये दो नंबर पर, और इसके बाद में आपकी रही थी दोस्तों ये तीसरी वाली, ठीक है, अधीनस्थ संघ नीति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। यहां आपको मैं बता दूं, अपने शासन का विस्तार करने के लिए अंग्रेजों ने घेरे की नीति 1765 से 1800 तक अपनाई थी, तत्पश्चात अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से 1858 तक अपनाई, और अंत में दोस्तों 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति इन लोगों ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध किया था? किसने चोरी चोरा घटना के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसका विरोध किसने किया था, ये आपका सवाल है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भी ये हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसको हम वापस क्यों ले रहे हैं। यहां मैं आपको बता दूं, चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस चौकी में आग लग गई और 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और इससे आहत होकर गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जितने भी सवाल आप इस वीडियो सेशन के सही करते हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे, और पूरा वीडियो सेशन आपको देखना है। मैं इस वीडियो सेशन में आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं आपको फैक्ट और एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला हूं। तो इस छोटे से वीडियो सेशन में मैं आपको 70-75 के आसपास सवाल करवाने वाला हूं। अगला सवाल देखिए, इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जो है ये किसने जारी किया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुल्ली खान ने। मुर्शिद कुल्ली खान ने ये सिक्का जारी किया था। अभी इसके बारे में फैक्ट क्या है, मुर्शिद कुल्ली खान बंगाल के पहले नवाब थे। उनका कार्यकाल 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा। उसने मकसूदाबाद का नाम बदलकर क्या रखा था? मुर्शिदाबाद रखा था। और जैसे ही मुगल सम्राट फरूख सियार ने नाम परिवर्तन को मंजूरी दी, तो मुर्शिद कुल्ली खान ने नई टकसाला में जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 1934 में जयप्रकाश नारायण ने किस स्थान पर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन आयोजित किया था? तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट सम्मेलन दोस्तों लखनऊ में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले फैक्ट बताऊं, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। 1934 में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की क्या करी थी? स्थापना करी थी, और ये एक गांधीवादी सोशलिस्ट थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन को निष्क्रिय माना जाने लगा?
कैबिनेट मिशन को कौन सी घटना के बाद में निष्क्रिय समझा गया था, यह आपका सवाल है। तो यह घटना कौन सी थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, एटली की जो घोषणा थी, इस घोषणा के बाद में दोस्तों इसको निष्क्रिय माना गया था। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई कि शक्तियों का हस्तांतरण करने के बाद ब्रिटिश भारत छोड़कर चले जाएंगे और यह प्रक्रिया जून 1948 से पहले पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पुर्तगालियों ने अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र प्रेजिडेंसियों में बांटा था, वे 3 प्रेजिडेंसियां कौन कौन सी है, ये आपका सवाल है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सवाल डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा, मोजाम्बिक और मलाक्का। यहां दोस्तों बताना चाहूंगा आपको, गोवा में वाइसराय नियुक्त था जबकि मलाक्का और मोजाम्बिक में गवर्नर नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखिए, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि, इनमें से बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित हुआ था, ये जो बहिष्कार आंदोलन किया था बंगाल में ये प्रेरित कहां से हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था जब चीनी लोगों ने अमेरिका की वस्तुओं का बहिष्कार किया था, तो यहीं से दोस्तों इसको प्रेरणा मिली थी और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश जो सामान था उसका विरोध किया गया था। चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार 1905 में किया गया था और बंगाल में भी उससे प्रेरित होकर 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यह बहिष्कार बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 1946 के कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग की अलग देश की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया था। 1946 के कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि हमें एक पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए, तो उसको अस्वीकार किया गया था। इसके पीछे कारण पूछा आपसे, ये क्यों किया गया था, इसके पीछे दोस्तों बड़ा कारण है, कैबिनेट मिशन का एक विचार था कि वे अलग देश में गैर मुस्लिम की काफी सारी जनसंख्या वो चली जाएगी और भारत में काफी संख्या में मुस्लिम रह जाएंगे और जिससे बहुत बड़ी असुविधा हो जाएगी, और इसी वजह से कैबिनेट मिशन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। यहां बताना चाहूंगा कि अलग देश की जो मांग थी उसको इसी वजह से ठुकराया गया था। मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार करने का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान में अल्पसंख्यक क्यों जो सिख थे ज्यादातर, उनके साथ न्याय करना था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, आपको पता हुआ भी था और बाद में बड़ी परेशानी भी हुई थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ब्लीडिंग मद्रास इनमें से किससे संबंधित है, जो ब्लीडिंग मद्रास शब्द है ये किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका है एक प्रकार का कपड़ा। ठीक है, ये दोस्तों एक प्रकार का कपड़ा है, ब्लीडिंग मद्रास एक कपास से निर्मित होने वाला हल्का कपड़ा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था, बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान विट्ठल भाई पटेल ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में फैक्ट क्या है, बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम भारत का ऐसा पहला अधिनियम था जिसके द्वारा देश में पहली बार किसी राज्य ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सही माना था और यह विधेयक बॉम्बे विधानसभा में विट्ठल भाई ने पेश करवाया था। यह बिल बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 के रूप में पारित हुआ था, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में भारत के कौन से वाइसराय ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी फैक्ट बताया हुआ है। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, जो नील दर्पण एक प्रसिद्ध नाटक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो यह किया था मधुसूदन दत्ता ने, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में फैक्ट क्या है, नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह नाटक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया था। अगला सवाल देखिए, कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम है, तो ये दोस्तों परिणाम है ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स वुड डिस्पेच की नीति का। यहां आपको बताना चाहूंगा कि सर जो चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा और इसके तहत उन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन कौन सा कथन है, देखिए पहला कथन है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ऊपर वरीयता दी जाती है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे, तो इनमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहां दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। इसके बारे में फैक्ट क्या है, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ऊपर वरीयता दी जाती है और मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री बने थे। अगला सवाल देखिए, बंगलोर प्रसिद्ध लाल बाग उद्यान किस शासक के द्वारा बनाया गया था, कमीशन किया गया था। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली के द्वारा इसको कमीशन किया गया था। इसके बारे में फैक्ट क्या है, लाल बाग उद्यान को 1760 में हैदर अली ने कमीशन किया था जबकि उसके पुत्र टिप्पू सुल्तान ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए, गलत कथन इनमें से कौन सा है, तो गलत कथन हो जाएगा दोस्तों इनमें ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों में बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया गया था। ठीक है, बाकी कथन सही है, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया था, बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंद्रो ने किया था। यह सही है ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका गलत है। इसके बारे में फैक्ट क्या है, अंग्रेजों ने बॉम्बे का अधिग्रहण पुर्तगालियों से किया था, यह अधिग्रहण 1661 में किया गया था। किससे किया था, पुर्तगालियों से किया था। कब किया था, 1661 में किया था। 1668 में ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक शुल्क पर लीज पर दे दिया था। अगला सवाल देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का जो ड्राफ्ट है ये किसने तैयार किया, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बता दूं इसके बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। इस आंदोलन के शुरू होने का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारत को बिना सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना था। बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की थी, मंगलोर की संधि दोस्तों की थी। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकार्टनी ने, किसके साथ में, टीपू सुल्तान के साथ में मिलकर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इसके बारे में मैं आगे आपको बता दूं, यहां पर दोस्तों आपको बता दूं मैं, मंगलोर की संधि जो है वो किसने की थी, तो ये दोस्तों की थी आपके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, मंगलोर की जो संधि है टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हस्ताक्षर की गई थी। यह संधि 11 मार्च 1784 को पूरी की गई थी। इस संधि के साथ द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का क्या हुआ था, समापन हुआ था। अगला सवाल देखिए, हूवर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, हूवर पुरस्कार जो है ये जीतने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनके बारे में क्या फैक्ट है, हूवर पुरस्कार मेडल 1930 में इंजीनियरों को मानवता के प्रति योगदान देने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, कब से, 1930 से। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड हॉर्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो जो लॉर्ड हॉर्डिंग पर हमला हुआ था इसका संबंध दोस्तों है दिल्ली षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर सी से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में क्या, दिल्ली षड्यंत्र के द्वारा 1912 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग की हत्या का प्रयास जो है वो किया गया था। इसके बाद में 23 दिसंबर 1913 को यह घटना घटी थी, परंतु ये योजना असफल रही और लॉर्ड हार्डिंग सुरक्षित बच निकले थे। रास बिहारी बोस को इस षड्यंत्र में मुख्य सूत्रधार माना गया था और ये थे। अगला सवाल देखिए, 28 सितंबर 1929 को पारित किए गए शारदा एक्ट का संबंध किससे है, शारदा एक्ट का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये आपका सीधा सीधा बाल विवाह से था, ऑप्शन नंबर बी। इस एक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, शारदा या शारदा एक्ट इसको बोला जाता है, शारदा एक्ट के द्वारा बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह बिल 28 दिसंबर 1929 को पारित किया गया था। इस बिल के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में बदलकर 18 और 21 वर्ष कर दी गई। अगला सवाल देखिए, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है, नील दर्पण नामक नाटक ये दोस्तों नील के विद्रोह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में मैंने आपको अभी फैक्ट बता दिए हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु जेल में अनशन के कारण हुई थी, जेल में अनशन के कारण दोस्तों मृत्यु किसकी हुई थी, तो इनमें हो जाएगा जतिन दास की दोस्तों मृत्यु हो गई थी जेल में अनशन के दौरान। इसके बारे में फैक्ट क्या है, जतिन दास महान स्वतंत्रता सेनानी थे,
उन्होंने लाहौर जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी, जिसके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? कौन सी घटना 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हिंदू और मुस्लिमों का तुष्टिकरण। दोस्तों 1857 की क्रांति का परिणाम बिल्कुल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में दोस्तों आपको बता दूं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना को सुव्यवस्थित किया गया और उसमें कई आवश्यक सुधार भी किए गए थे। अब दोस्तों आपने कितने सवाल इस सेशन में सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने अप्लाई किया या नहीं किया ये भी बताइए, क्योंकि इसकी डेट है वो इंक्रीज कर दी है। लास्ट डेट अब 20 जनवरी है और आपका एग्जाम संभवतः फरवरी में लास्ट में हो जाएगा। बाकी दोस्तों अभी तक आपने योर एग्जाम हेल्पर की सोशल साइंस और साइंस की ईबुक परचेज नहीं की है तो जरूर कर लेना। सोशल साइंस में 31 टॉपिक्स है और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 प्लस एमसीक्यूज है। इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी और एक तरह से आपका टेस्ट सीरीज भी हो जाएगा। और साइंस में बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के 800 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर ले लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जैसे ही आप इनको बाय करोगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तुरंत ही आप अपने मोबाइल में इनको डाउनलोड कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। जो लोग नए हैं एक बार जरूर हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो भी आपका टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल है। थैंक यू।